ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि इंग्लिश में ऐसा रूल है
कि जब कभी भी सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा उस टाइम पे, अगर प्रेजेंट में है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी की, तो हम लोग जो भी वर्ब लगाएंगे वो वर्ब कौन सा रहेगा, वी एस रहेगा। वी एस मतलब वर्ब का एस या ई एस लगा हुआ फॉर्म। वर्ब तो इस वर्ब में एस लगा है, एस लगा है, एस लगा है, किसी वर्ब को एस लगता है, किसी को ई एस लगता है। तो ये जो है हम लोगों ने अभी चार्ट लिया थर्ड पर्सन सिंग, उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के पार्ट पे फोकस करना है हम लोगों को। अभी आप लोग बोलेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिर्फ शी ही आता है क्या और कुछ नहीं आता है क्या? आता है, जरूर आता है। पहली बात देखिए, सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगल चीज। अभी थर्ड पर्सन मैंने बोला है, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, लेकिन अगर कोई गर्ल है, मैं बोलूंगी सीता इज माई फ्रेंड, शी इज अ गुड वन, तो इस सीता के लिए भी मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, शी। इसका मतलब सीता भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। सिंगुलर चीजें, जो भी सिंगुलर चीजें आएगी उनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोल सकते हैं। फिर हम लोगों को सीता के लिए भी क्या यूज करना पड़ेगा, सपोज सीता प्लेज, सीता इट्स, सीता रन्स, तो फिर ऐसे सीता की तरह ही कोई राम है, कोई डॉग है, कोई कैट है, या फिर जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि कोई फार्म है, कोई खेत है जो बहुत पानी एब्जॉर्ब करता है, तो द फार्म, दैट फार्म अब्जॉर्ब्स मच वाटर, कि वो मच क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट है, जो सिंगल आएगा, सिंगल सब्जेक्ट आएगा, तो उसके सामने हमें वर्ब को एस लगाना है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। क्या सीधी सी बात है? यू आया है, अगर ये यू है इसका मतलब बहुत है, तो जो आगे आएगा वो एक आएगा, ये आएगा बहुत, ये अगर नहीं है तो उसके आगे यू प्ले, ये एक ही आएगा, ऐसा हम याद रख सकते हैं। और इधर अगर एक आता है कि तो ये जो वर्ब है उसको यस या यस लगेगा, या तो इसका मतलब हमें बहुत होना चाहिए, या फिर इसका मतलब सोच, सिर्फ सोच बता रही हूँ, इसका मतलब बहुत नहीं होता है। वर्ब सिंगुलर प्लूरल ऐसा थोड़ी है कि ये प्लेस मतलब बहुत सारे हैं, खेलना है, और ये प्ले मतलब एक ही, ऐसा नहीं। लेकिन सिर्फ ध्यान रखने के लिए हम लोगों को कि जैसे भी यहाँ पे यस नहीं आया, मतलब ये अगर प्लूरल नहीं है तो इसको यस यस लगाएंगे, अगर इसको यस यस नहीं है तो फिर वाइस वर्सा, अपोजिट, इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग तैयार करेंगे कुछ सेंटेंसेस। शी भी लेंगे, इतने चार लेंगे, इसके आगे मैं वर्ब ले रही हूँ, वर्ब का हमें प्रॉपर फॉर्म उसके साथ में यूज करना है, इट या इट्स, स्विंग या फिर सिंग लेंगे, सिंग, सिंग्स, watches, अगर इतने ऐसे वर्ब लेंगे, एक्शन वर्ब्स लेंगे, तो फिर आई के साथ क्या आएगा देखिए, आई आई के साथ आएगा इट। क्यों आएगा? क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या? नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सिर्फ ही, शी, इट और कोई भी सिंगल चीज। तो आई से
सिंगल है लेकिन आई थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, ये याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आई भी तो सिंगल है, ही शी भी तो सिंगल है, फिर आई के साथ एस फॉर्म क्यों नहीं आता है वर्ब का, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए आई के सामने कभी भी यस वर्ब के सामने, आई के सामने जो भी वर्ब है उसके साथ यस यस नहीं लगता है। आई इट, आई सिंग, आई नो, I watch, I इसे मैं खाती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं निहारती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, इस तरह से आएंगे। और बाकी अभी मैंने ही लिया तो ही के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, ही के साथ ही आएगा, ही इट्स, ही सिंग्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही नोस, ही वॉचेस, ही रीड्स, he eats, he sings, he knows, he watches, he reads, वो खाता है, वो गाता है, वो जानता है, निहारता है, वो पढ़ता है। इसके बाद फिर से यू है, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, तो इस यू के साथ में क्या आएगा, फिर से यू के साथ में क्या आएगा, इट आएगा, सिंग्स आएगा, सॉरी इट आएगा, सिंग आएगा, नो आएगा, वॉच आएगा और रीड आएगा, फिर से वही यू इट, यू सिंग, यू नो, यू वॉच, यू रीड, वो खाते, सॉरी तुम खाते हो, तुम गाते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम निहारते हो, तुम निहारते हो, तुम पढ़ते हो। अभी एक शी रह गया, तो इस शी के लिए भी हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन है इसलिए शी रे, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।